इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 180 है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उनको, बिल्कुल तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बने रहे, बिकॉज आई थिंक जिस तरह से ये पूरा स्पेस पॉइज्ड है इन टर्म्स ऑफ यू नो जो अलग अलग कंपनीज है, ट्रेंट इज ऑफ कोर्स द टाटा कंपनी विच इज बेस्ट साइट, और हम देख ही रहे कि किस तरह का मॉडल वेस्ट साइट का है और किस तरह से उन्होंने एक अच्छा पैन इंडिया प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया है, एंड यू नो द वेरियस द रेंज ऑफ गुड्स दैट दे हैव, खुद कुछ कुछ ब्रांड्स है जो खुद के हैं, प्लस देर आर कोलैबोरेशंस, और जिस तरह का एक वैरायटी एक यू नो अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे वो इंडियन कंज्यूमर, उसको देखकर लगता है कि इट्स अ डेफिनेटली अ गुड स्टोरी और उनको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से राजीव का सवाल लेते हैं। क्या राजीव फोन लाइन पर? एल एक महीने का नजरिया 104 की बाइंग प्राइस। सो यू नो वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ स्टॉक पर इस लिहाज से कि यू नो जिस तरह से एक तो बजट की एक्सपेक्टेशन है, उसके साथ साथ PSU डाइवेस्टमेंट वगैरह की भी बात जिस तरह से चलती है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उनको अभी के लिए तो बने रहना चाहिए। चलिए, तो आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अगला सवाल, बिला इंडिया सीमेंट 8620 का भाव है। हाँ, तो जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी ये साल अच्छा खुला है, दो तीन खबरें हैं। एक तो जिस तरह से बात हो रही है कि प्राइसेस बढ़ाई, सीमेंट कंपनीज ने एक प्राइस हाइक लिया है, और उसके साथ आई थिंक जो साउथ बेस्ड कंपनी है जैसे इंडिया सीमेंट है उनको और ज़्यादा फायदा है, सो दैट्स अ डेफिनेट पॉजिटिव। और यही है कि यू नो जैसे मानसून खत्म होता है देन वी सी अ पिकअप इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और इस साल मानसून काफ़ी लंबा खींचा तो उस हिसाब से वो थोड़ा डिले भी हुआ। आई थिंक थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि एक अंडरओन्ड सेक्टर है, तो अगर किसी तरह की भी यू नो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात होती है बजट में और उसको इंक्रीज किया जाता है देन इट्स अ डेफिनेट पॉजिटिव फॉर ऑल सीमेंट कंपनीज एंड इट्स एन अंडरओन्ड सेक्टर, तो यहाँ पर और एक अपसाइड हो सकती है। सो आई थिंक डेफिनेटली बजट तक तो बने रहे, उसके बाद हम रिजल्ट भी देखेंगे, बट एज आई सेड यू नो अब बजट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो बजट तक तो डेफिनेटली बने रहे, उसके बाद फिर से एक कॉल लेंगे सीमेंट शेयर्स पर। ऑलराइट, आगे जी जी कितना समय होल्ड? एक साल 1465 की इनकी बाइंग प्राइस है। हाँ, तो आई थिंक यू नो ये स्टॉक और कंपनी थोड़े बहुत दिक्कतों में रही है डेफिनेटली, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनका जो रियल इस्टेट बुक था वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ गया, एंड यू नो दे वो फोर्स्ड टू रियली बिकम यू नो टू एंटर इनटू लॉन्गर टर्म अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। उनका जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में होल्डिंग था उसको उनको बेचना पड़ा, एक राइट्स इश्यू अभी चालू है, बट दे डू इट डज सीम कि उनका उनके जो इश्यूज थे उनके बारे में उन्होंने यू नो काफ़ी अच्छे कदम और पहले ही कदम थोड़े उठाने चालू की, तो देवर यू नो सॉर्ट ऑफ अवेयर ऑफ इट, तो एक प्राइस करेक्शन हमने डेफिनेटली देखा है, लेकिन शायद ऐसे अब लग रहा है कि चीज़ें बॉटम आउट होगी और यहाँ से सुधार होगा, और क्योंकि उनका आई थिंक नज़रिया भी एक साल का है तो आई थिंक बने रहे। आगे बढ़ेंगे और SMS के सो आई थिंक वंस अगेन फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव और अगर आप रिजल्ट्स देखें तो कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन हाल ही में यू नो देव मर्ज विद अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी, और वंस अगेन आई थिंक यू नो जो डाइवेस्टमेंट वगैरह की स्टोरी है वो शायद ऐसे स्टॉक्स में भी प्ले आउट होते हुए हम देखें, क्योंकि आगे चलकर यही एक्सपेक्टेड है बजट में कि जो नया साल होगा उसके लिए यू नो द गवर्नमेंट विल आउटलाइन सर्टन मोर कंपनीज जहाँ पर हम डाइवेस्टमेंट देख सकते हैं, सो आई थिंक ओवरऑल ऐसे सिनेरियो में उनको बने रहना चाहिए। जो है बाकी क्वांटिटी है इनकी मेरे हिसाब से उनको निकल जाना चाहिए। यू नो ओवरऑल आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन हाउसिंग फाइनेंस एज अ स्पेस, क्योंकि हम देख ही रहे कि रियल इस्टेट में किस तरह से एक खास करके जो डोमेस्टिक मीनिंग यू नो द कमर्शियल रियल इस्टेट फिर भी ठीक जा रहा है, लेकिन जो होम रियल इस्टेट वाला हिस्सा है दैट्स नॉट बीन अ बिजनेस दैट्स डूइंग वेरी वेल, और उसमें दीवान हाउसिंग के अपने प्रॉब्लम्स है ही, तो मेरे हिसाब से उनको निकल जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, मुंबई से विवेक गोले का सवाल, इनकी बाइंग प्राइस है। क्या लगता है आपको नतीजों के बाद स्पेशली? अब मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, और अगर आपको IT में इन्वेस्टेड रहना ही है तो आई थिंक HCLTech हैज बीन माय फेवरेट स्टॉक। मैंने काफ़ी बार ये शो पर भी चर्चा की है HCLTech के बारे में, इन्फोसिस नंबर्स वो गुड, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। विप्रो में दिक्कत क्या हुई कि रिजल्ट्स तो काफ़ी ठीक ठाक थे इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन, जो लेकिन उन्होंने जो गाइडेंस दिया अगले साल के लिए
दैट इज समथिंग मार्केट इज डिसअपॉइंटेड विद. और उसके साथ साथ मैं एक चीज ऐड करूंगी, क्योंकि विप्रो में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफी बड़ा है तो फ्लोटिंग स्टॉक कम है, सो यू नो द स्टॉक का मूवमेंट भी थोड़ा इराटिक रहता है और रिजल्ट्स भी काफी बार हमने देखा है कि थोड़े पैची रहते हैं, कि बाकी जिस तरह से जो बाकी लार्जर कैप आईटी है उनके जिस तरह से एक स्मूथ रिजल्ट्स आते हैं उस तरह के रिजल्ट्स विप्रो से नहीं मिलते, तो मेरे हिसाब से उनको निकल जाना चाहिए. ऑलराइट, कानपुर से अशोक शुक्ला का 5 है. यस, सो आई थिंक यू नो रेटिंग कंपनीज हैव अ फेयरली सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले जिस तरह से चीज़ें हुई है इन सब चीज़ों को देखकर, बट वेरी ऑनेस्टली जो रोल रहा है उनका वो भी काफ़ी क्वेश्चन हुआ है, लेकिन आई थिंक गिवन द यू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस और ये आगे चलकर चीज़ें और भी यू नो सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी हो जाएगी कि जो कोई पेपर आएगा वेदर इट इज़ डेट वेदर इट इज़ इक्विटी हर चीज़ को एक रेटिंग लगेगी, तो उस लिहाज से आई थिंक देयर बिजनेस आउटलुक कंटिन्यूज टू लुक क्वाइट गुड, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए. मुंबई से जुगर राठौड़ का सवाल लेंगे. रेमंड में खरीदारी कर रखी है इन्होंने, रेमंड में मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए रेमंड से. यू नो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टोरी. एक तो जो टेक्सटाइल की स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, और उसके साथ साथ यू नो द मेन स्टोरी हैज रियली बीन रियल एस्टेट. तो इट्स यू नो अगेन जिस तरह का मार्केट है अभी रियल एस्टेट के लिए उन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए. जलंधर से ऋतिक का सवाल लेंगे. एमएनआर 600 की इनकी बाइंग प्राइस है. सो आई थिंक पिछले हफ्ते ही जब हमने ये शो किया था तो आई रेकमेंडेड महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये स्टॉक, तो डेफिनेटली बने रहे. पुणे से सरिता का सवाल लेंगे. बायोक्यॉन में खरीदारी कर रखी है 270 पे और गुजरात गैस में कर रखी है 211 पे. सबसे पहले बायोक्यॉन पे आपका टेक लेंगे, 217 की बाइंग प्राइस है. मुझे काफी अच्छा लगता है बायोक्यॉन. आई थिंक जो बायोसिमिलर का बिजनेस है और इंसुलिन और जैसे डायबिटीज आप जानते ही है कि किस तरह से यू नो द नंबर्स इन इंडिया और उनका जो इंसुलिन में जो उनका बिजनेस है द वे इट इज़ डूइंग ऑल्सो देयर होल अप्रोच टू बायोसिमिलर्स, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जिस तरह से नंबर्स आते हैं बायोकॉन से वो भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है. तो इनफैक्ट इफ यू आस्क मी विद इन अगर आप ब्रेकअप भी देखें बिजनेस का इन यू नो द काइंड ऑफ नंबर्स दैट वी हैव सीन इन डिसम्बर इट पॉइंट्स टूअर्स द फैक्ट कि ये जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हम कहते हैं उनमें जो ग्रोथ आया है दैट हैज एक्चुअली बीन इन डबल डिजिट्स. तो यू नो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक दैट डेफिनेटली बायोकॉन इज अ होल्ड फॉर मी. गुजरात गैस 211 पे इन्होंने खरीदा हुआ है. और दैट्स अगेन अ स्टॉक दैट आई लाइक, और शायद मैंने ये भी स्टॉक रेकमेंड किया आपके शो पे. यू नो आई थिंक कि गैस इज रियली गोइंग टू बिकम कि यू नो योर ऑल्टरनेट टू योर यू नो योर ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल यू नो वेदर इज डीजल और पेट्रोल, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट गैस के लिए बढ़ रहा है, वेदर इट इज इन कार सीएनजी, घर में जो पाइप गैस आता है, इंडस्ट्री में जिस तरह से गैस का इंक्रीजिंग यूज होता है. और ये बातें हैं कि अभी अगर आपका गैस इज कॉन्ट्रीब्यूट टू अबाउट 6%, गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू टेक इट टू 15%, तो ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव है फॉर ऑल गैस कंपनीज, तो डेफिनेटली मुझे गुजरात गैस भी अच्छा लगता है, तो बने रहे. आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हनी गुरेजा का सब...